हमेशा जीत जाते हो। अरे संतोष, कब से कह रही हूँ सीता रानी के लिए दूध ले आ, देख तेरी बेटी हार रही है। ले सीता दूध पी ले। फिर दादी से हार गई? और नहीं तो क्या, अरे तेरी बेटी की दादी जो ठहरी। यही तो पछतावा है, पोते की होती तो बात ही कुछ और होती। अरे बच्ची को कभी प्यार भी कर दिया कर, जब देखो उसे कोसता रहता है। माँ जो ठहरी पैर उड़ेलने को, बेटी पैदा करके किस्मत फोड़ दी हमारी। माँ मैंने आपकी किस्मत फोड़ दी क्या? अरे उससे क्या पूछती है, पूछना है तो अपने बाप से पूछ जो अपनी किस्मत को कोसता है। अरे तभी तो लक्ष्मी को बोझ समझता है, मुआ कहीं का। लक्ष्मी है ना, दहेज के पैसे भी अपने साथ लाई होगी, तू इसकी शादी कर देना। हाँ हाँ कर दूंगी, अरे ऐसा नेक लड़का ढूंढूंगी, पर पहले तू इसकी पढ़ाई तो करवा, कॉलेज तो भेज इसे, फिर देखना पढ़ लिख जाएगी तो लड़के वाले भी इज्जत करेंगे। अरे तू क्यों चिंता करती है, दादी है ना, ले इस बार तू खेल, ते जरूर जीतेगी। राम सिंह क्या बात है, तू आजकल कुछ सूखता जा रहा है। बेटी जो जवान हो गई है तो इसमें चिंता की क्या बात है, अरे उसे आगे पढ़ा लिखा आत्मनिर्भर बना, और ये चिंता विंता छोड़ मौज कर मौज। जो थोड़ा बहुत पैसा उसकी शादी के लिए जोड़ कर रखा है उसे भी उसकी पढ़ाई में लगा दूं, फिर दहेज, दहेज कौन देगा, मेरा ताऊ या तेरा। ये ताऊ कहां से बीच में आ गया, इतना तो तुझे भी पता है दहेज लेना और देना गैर कानूनी है, पहले तू बिटिया का किसी कॉलेज में दाखला करवा दे। आजकल के जमाने में लड़कों से ज्यादा लड़के ही नाम रोशन करते हैं अपने माँ बाप का। बस बस ये सब बातें धरी की धरी रह जाती हैं भाई साहब, जब लड़के वालों के दबाव के नीचे पिसना पड़ता है। और दहेज, दहेज के लिए कानून चाहे कितना भी कड़ा क्यों ना हो, हालात अच्छे नहीं है जमाने के। अरे आदमी चाहे तो हालात बदल भी सकता है हा? और फिर जमाना तो हमसे है, हम जमाने से नहीं। किस्मत वाले हो दोस्त जो बेटी के बाप हो, घर में घुसते ही पूछती है बिटिया, चाचा चाय लोगे या शरबत, बड़ी होनहार है तुम्हारी सीता। अच्छा अब चलते हैं, इस विषय पर फिर कभी बैठ कर बातें करेंगे। ठीक है। अच्छा तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में। चुपचाप इधर आकर बैठ जा, आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे। अरे अपने आंगन में ही तो डोल रही है, इससे भला पड़ोसियों को क्या फर्क पड़ने लगा। और नहीं तो क्या, माँ तुम भी ना। तू चुप कर। माँ जी आप नहीं जानती, लोग तो किसी भी बात पर बोलते हैं, और लड़की का मामला है, हम क्यों किसी को बोलने का मौका दें। और अगर तेरे बापू ने फिल्मी गाना गुनगुनाते हुए सुन लिया ना, तो गुस्से में ऐसा बरसेंगे कि पूछ मत। माँ ऐसे तो धक्का मत दो, तुम्हारी बेटी हूँ। अरे तुम दोनों माँ बाप तो इस बच्ची का बचपन छीन रहे हो। अपने बेटे से पूछिए ना,
मैं थोड़ी कुछ कह रही हूँ, बात बात पर बेटे के लिए ताना देते हैं, ये बच्ची तो इन्हें कांटों की तरह चुपती है। अरे बेटा हो या बेटी, ये सब तो भगवान के हाथ में है, मगर इसके बापू को कौन समझाए। जा राशन ले आ, तेरे बापू आने वाले, खाना बनाना है। लाइए माँ जी, मुझे दीजिए, आप आराम कीजिए। मैंने तो कॉलेज में दाखिला ले लिया है, और तुमने? पापा नहीं मान रहे। पर तुम तो हमेशा से ही पढ़ाई में इतनी होशियार थी, फिर क्यों नहीं मान रहे? क्या बताऊं, बस यूं ही। तो तूने मना लेना, आखिर कब तक नहीं मानेंगे। भैया एक पाव चीनी दे दीजिए। हे भगवान, हाँ तुम कहती हो साड़ी पहनना सीखो, कितना झंझट का काम है ये। साड़ी तो पहनना सीखना पड़ेगा, वरना शादी के बाद क्या करेगी? सलवार कमीज पहनूंगी। सलवार कमीज हमारा पहनावा नहीं है, हमारा पहनावा तो साड़ी ही है। फिर वही बात, तू इतनी फिक्र क्यों करती है लोगों की? कपड़े तन ढकने के लिए होते हैं, फिर सलवार कमीज में बुराई ही क्या है? बिल्कुल ठीक, मेरी अच्छी दादी माँ। ये तो तूने बिल्कुल सच कहा, ऐसी सास तो हर बहू को मिले। अरे पगली, मैं सास नहीं माँ हूँ माँ, और मैं बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं समझती, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि सास को माँ से भी ज्यादा प्यार करना चाहिए। भाई पूरे घर को कौन संभालता है भला? बहू। सच माँ जी, आपने तो माँ से बढ़कर प्यार दिया है मुझे। अरे तो तू भी इसका साथ देना, तू क्या चाहती है कि ये भी तेरी तरह गूंगी बनकर बैठी रहे? नहीं, तभी तो मैंने इसका स्कूल में दाखिला कराया था कि पढ़ लिख जाएगी तो भले बुरे में समझ करना सीख जाएगी। मेरी अच्छी माँ, पापा से मेरे कॉलेज जाने की बात करो ना। तू तो बावली है बावली। अरे माँ जैसी भी हूँ, पर पापा से मेरे कॉलेज जाने की बात करो ना। औरत चाहे जितना पढ़ ले, सहना तो उसे पड़ता ही है, और औरत ना सही तो घर कैसे चले? मतलब घर चलाने के नाम पर औरत अपनी हस्ती ही मिटा दे। ये हस्ती वस्ती बड़े बड़े शब्द मैं नहीं जानती, मगर इतना जानती हूँ कि किसी एक को तो माँ हमेशा औरत ही क्यों सहे? क्योंकि कुदरत ने उसे माँ जो बनाया है। तो माँ बनने से तो उसका कद और भी बड़ा हो जाना चाहिए। अब ये कदरत की बातें छोड़ और सीधे सीधे जमीन पर आ जा। लो आ गई। तेरे बापू तो जल्द से जल्द तेरे हाथ पीले कर देना चाहते हैं। अरे पहले स्याही से हाथ नीले तो कर लेने दे। बिल्कुल ठीक, फिर पीले भी कर लेना। माँ जी किताबों ने पहले ही इसका दिमाग खराब करके रखा है। अरे माँ किताबों से तो भविष्य उज्जवल होता है, और मुझे तो उगते सूरज में भी ना प्यारा सा किताबों का बस्ता ही नजर आता है। पता है माँ, जब मैं पायलट बन जाऊंगी ना तो मैं क्षितिज से तुम्हारे लिए रंग बिरंगी मुलायम मुलायम बादल उपहार में लाऊंगी, और दादी आपके लिए तो सूरज लाऊंगी। पगली कहेगी तू जहाज उड़ाएगी? क्यों नहीं भाई, जब ये जहाज उड़ा रही होगी मुझे तो ऐसा लगेगा जैसे हजारों सूरज मेरे छोटे से आंगन में आ उतरे हैं। आने दे उसे, अब मैं बात करूंगी उससे। अच्छी दादी, अब तक दादी बात करेंगी, अब तक दादी बात करेंगी। ये जोड़ घटाव कल कर लेना, रात काफी हो रही है, अभी सो जाइए। तुम्हें मना किया है, तुम सो जाओ। मैं तो आप ही के भले के लिए कह रही हूँ जी। मेरे भले की चिंता होती तो बेटा ना जानती, सर पर बोझ डाल दिया और कह रही हो सो जाओ। जवान बेटी के बाप को नींद आती है भला? या बात बात में बेटा बेटी क्यों करते हैं? आखिर क्या कमी है हमारी सीता में? कमी उसमें नहीं, कमी तुझमें है जो ये बेटी पैदा कर दी, नहीं तो मैं जाग जाकर उसके दहेज के पैसे न जोड़ रहा होता, घोड़े बेच कर सो रहा होता। जितना कोसना है मुझे कोस लीजिए, लेकिन इसकी सजा सीता को मत दीजिए। सुनिए जी, पास ही के गाँव में एक लड़कियों का कॉलेज है। कॉलेज है तो बेटी के साथ तुम भी दाखिला ले लो ना, फीस कौन देगा, तेरा बाप है? बेटी की फीस तो आप दे देना, लेकिन मेरे बाप को बीच में मत घसीटिए। तेरी भी जुबान चलने लगी, चल सो जा। आहिस्ता बोलिए, सीता सुन लेगी तो उसे दुख होगा, कितना प्यार करती है वो आपसे। मैं क्या कोई से कम प्यार करता हूँ, तभी तो उसके ब्याह की चिंता रहती है मुझे। अगर इतना ही प्यार करते हैं, इतनी ही चिंता है, तो कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं करवा देते उसका? जितना उसे पढ़ना था वो पढ़ चुकी, अब उसके ब्याह की चिंता कर और अपनी एक चोंच बंद कर। अरे चोंच तो तू अपनी बंद कर और सीता का कॉलेज में दाखिला करवा। अरे माँ तुम जाकर सो जाओ ना, पता नहीं औरतों को क्या हो जाता है। उससे तो मैं बाद में बात करूंगी। अरे पगली चिंता मत कर, सिर्फ दादी है ना, चल तू सोच।
दादी प्रिया का तो कॉलेज में दाखिला भी हो गया, मुझ में ही कोई कमी होगी। कमी? मेरी बच्ची में कोई कमी नहीं है, हीरा है, बिल्कुल हीरा। नहीं दादी, तुम नहीं समझोगी, जब तक मैं पायलट नहीं बन जाती तब तक कमी ही कमी है। देख, अगर तेरा इतना मन है तो तू जरूर पढ़ने के लिए कॉलेज जाएगी। ये लड़की भी कैसी है, उगते सूरज जैसी है। अरमानों की मारी है, पढ़ने की बीमारी है, करना है काम बड़ा, अपने घर का नाम बड़ा। माँ, ये दादी पोती में क्या खिचड़ी पक रही है सुबह सुबह? पढ़ना चाहती है आगे सीता, और एक तू है कि कहना ही नहीं मानता। अरे कोई मेरे जूते में भी पैर रखकर देखे, कहाँ से लाऊंगा मैं इसके कॉलेज की फीस, किताबों का खर्चा और कॉलेज आने जाने के लिए नए नए कपड़े। बस बेटी के नाम पर अकाल पड़ गया। अगर तेरा बेटा होता तो तब भी तेरा जवाब यही होता? बेटा होता तब ना। देख राम, अब समय बदल गया है, तू भी अपने आप को बदल ले। अरे मुझे देख, मैं ठहरी बूढ़ी अनपढ़ गंवार औरत, फिर भी तुझसे ज्यादा समझदार हूँ। वाह दादी, तुम बहुत शह दे रही हो अपनी पोती को। तो इस पर मेरा कोई हक नहीं बनता क्या? सब हक की बातें करते हैं, लेकिन। लेकिन क्या? रुक क्यों गया? कह डालना जो तुझे कहना है। माफ करना माँ, लेकिन मैं। देख राम, तू सिर्फ अपनी बेटी की पढ़ाई की हामी भर दे, फिर सब मेरे ऊपर छोड़ दे। अरे मेरे ये पुराने गहने किस दिन काम आएंगे। क्यों लज्जित करती हो माँ? इसमें लज्जा की क्या बात है, पढ़ाई से बढ़कर कोई गहना नहीं। माँ का आदेश है, कम से कम माँ की बात तो मान जाइए। तुम सब जीते और मैं हारा। इसे कहते हैं नारी शक्ति। तो इसी बात पे हो जाए हलवा। दादी अब मैं कॉलेज जाऊंगी, पायलट बनूंगी। दादी दादी जहाज बनाऊंगी। अरे जाओ। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स 6 महीने के अंतरिक्ष अभियान के बाद धरती पर सुरक्षित वापस। ट्रांजिस्टर बंद कर, अब सो जा, रात काफी हो गई है। चल। डेरा प्रमुख की पेशी को लेकर। अरे राम सिंह, कहाँ जा रहा है? इधर चाय गरम है, पीता जा। आ बेटा आ। बेटी का दाखिला कराने गया था। बड़ी खुशी की बात है, कहाँ कराया दाखिला? यहीं पास के गांव में जो कॉलेज है। पर ये चमत्कार हुआ कैसे? मजबूरी है भाई, मजबूरी। इधर माँ, उधर बेटी, और तो और बीबी, तीनों ने मिलकर हमला बोल दिया, पढ़ाओ नहीं तो। चलो भाई, जब जागो तभी सवेरा है। पर भाई एक बात का ध्यान रखना, कॉलेज के रास्ते में दो दो शराब के ठेके हैं, और ऊपर से आजकल के लड़के। इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अरे भाई घबराने की कोई बात नहीं, मैं तो केवल सावधानी बरतने के लिए कह रहा था। चाय का सारा मजा किरकिरा कर दिया, मैं जा रहा हूँ भाई। अरे अरे, अरे चाय तो पीता जा। नहीं भाई नहीं, मैं जा रहा हूँ। अरे इसकी तो हर बात पर उछलने की आदत है। ये अभी तक आया क्यों नहीं? फिर से इसका दिमाग तो नहीं फिर गया वहाँ जाकर? पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। देख साइकिल की आवाज आ रही है। क्या हुआ? सुबह तो अच्छे मन से गए थे, दाखिला हुआ कि नहीं? अरे दाखिला तो हो गया सीता की माँ, लेकिन ताऊ तो कह रहा था। किसी के कहने से अपने इरादे नहीं बदला करते। अरे बेटा मुझे भी तो बताओ क्या हुआ, अब कौन से पत्थर आ पड़े रास्ते में? पत्थर होते तो हट जाते माँ, दो दो शराब के ठेके हैं कॉलेज के रास्ते में। देख उस रास्ते से और भी तो लड़कियां जाती हैं कॉलेज की, नहीं? अरे माँ अपनी सीता बहुत भोली है, और फिर? और फिर भी छोड़, कलेजे को मजबूत कर और बेटी का मन बड़ा। अरे इसी तरह घबराने लगा तो चल ली जिंदगी। पापा कुछ महीने पहले हमारे स्कूल में ना अपनी रक्षा आप करो की ट्रेनिंग दी गई थी,
पापा इतना कमजोर मत समझो अपनी सीता को। अरे बेटी चाहे कितनी बहादुर क्यों न हो, बाप को तो फिर भी चिंता रहती है ना। ओ पापा मैं ध्यान रखूंगी। पापा प्लीज कॉलेज जाने दो। पापा प्लीज, पापा प्लीज। अच्छा ठीक है चली जा बस। थैंक यू पापा, मैं भी किताबें लिख रही हूं। सुन सुन सुन, अकेले मत जाना, सामने वाले घर से रमेश को ले लेना। ठीक है पापा। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए खाना परोसती हूं। आज पहली बार तूने अकल की बात की है बेटा। देख तेरी बेटी बड़ी होनहार है, उसे थोड़ा प्यार कर दिया कर। किताबें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। अब कॉलेज के बाद मैं पायलट बनने की ट्रेनिंग लूंगी। अरे वाह, क्योंकि सीता हमारे कॉलेज पास पास है तो कल से कॉलेज साथ ही चलेंगे। देखूंगी, सोचूंगी। सोचूंगी अभी बताओ इसी वक्त, नहीं तो किताबें नहीं मिलेंगी। अच्छा बच्चू, सोचूंगी। अच्छा फिर कल मिलेंगे। देखूंगी। दादी दादी ले आई किताबें? जी माँ। अब तो घर के काम काज में मेरा हाथ नहीं बटा पाएगी। क्यों माँ? पढ़ाई से फुर्सत मिलेगी तब ना। अरे माँ पढ़ाई हर वक्त थोड़ी ना करनी है, और वैसे भी घर के लिए अपनी जिम्मेदारियों को भूलने का मतलब है नौ शिक्षा। शाबाश। अरे दादी कल से आपकी लाडली पोती कॉलेज जाएगी। और दादी मुस्कुराएगी, सीता के लिए पराठे बनाएगी, और फिर सीता जहाज उड़ाएगी। अच्छा एक बात बता, जब तू पढ़ लिख कर बहुत बड़ी पायलट बन जाएगी तो अपनी इस बूढ़ी दादी को याद भी करेगी या भूल जाएगी? इसको घर बिठाए रखने का इरादा है क्या माँ जी, या कॉलेज के बाद इसके हाथ भी पीले करने हैं? ये बात तो मैं अक्सर भूल जाती हूँ बहू, क्या करूँ, सीता के बिना इस घर की कल्पना करना ही मुश्किल है। तो मैं नहीं जाऊंगी, हमेशा दादी के पास रहूंगी। जाना तो पड़ेगा लाडो। किसके जाने की बात हो रही है माँ? और किसकी बेटा, सीता की। हाँ इसे कल कॉलेज जाना तो है। अरे तुम हंस क्यों रहे हो? मैं चाय लेकर आती हूँ। साइकिल रोज खराब हो जाती है ना। अरे ऐसे छुप छुप के मिलने से तो अच्छा है तुम घर आ जाया करो। घर आ तो जाता लेकिन। लेकिन लेकिन क्या? अरे बल्कि पापा को तो इत्मीनान रहेगा कि हम दोनों इकट्ठे कॉलेज जाया करेंगे। तो इतना डरते क्यों हो पापा से? थोड़े साहस और पूरी ईमानदार कोशिश की जरूरत है, समझे बुद्धू? जी सरकार समझा। अब चले कॉलेज? चलते हैं। पथ के किनारे खड़े छायादार पावन अशोक वृक्ष। लगता है काफी देर तक पढ़ती रही। प्रेमियों ये कौन सी पढ़ाई हो रही है इस घर में? स्वामी विवेकानंद, हो सकता है कोरस की किताब हो, मैं भी ना खामा खाम परेशान रहता हूँ। छायादार पावन। सीता किससे बात कर रही है? पढ़ो तो मुसीबत, ना पढ़ो तो मुसीबत। क्या वक्त हो गया माँ? 7 बज गए 7। कुछ होश भी रहता है? किताबें और तुम, फर्स्ट आना है ठीक है, लेकिन सेहत का भी तो ध्यान रखना जरूरी है। अरे माँ आज कॉलेज जल्दी जाना है। क्यों भूल गई? आज कॉलेज में वार्षिक उत्सव है, उसकी तैयारी जो करनी है। अच्छा तू नहा ले, मैं तेरे लिए नाश्ता लगाती हूँ। लोग हमारे मिलने जुलने को शक की निगाह से देखने लगे हैं। और तुम भी लोगों की निगाह से देखने लगी हो? गाँव देहात में नहीं चलता ये सब। ये सब बोले तो ज्यादा फिल्मी मत बनो। ठीक है आज से मिलना जुलना बिल्कुल बंद, नो चक्कर नो कंफ्यूजन, सिर्फ पढ़ाई। इज इट ओके मैम? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आ गई मीठी छुरी।
क्या भाई पूरी बोतल अकेले एक पिएगा क्या? अरे यार जान इससे क्या पूछता हो मैं बताता हूँ। अरे अरे रुको देखो अरे से बात में देख रहा है तो पैसे दो तेरा तमाचा याद है क्या छुरी शुक्र है तेरे साथ रमेश था। अरे दादी रमेश ना भी होता तो मैं किसी से नहीं डरती हूँ। बस बस कल से तेरा कॉलेज जाना बंद हो गई तेरी पढ़ाई काला मुंह कराएगी बेटी हमारा भी। पापा इसमें मेरा क्या कसूर है? तेरा कसूर ये है कि तू लड़की है तेरे चार पांच भाई होते ना तब मैं देखता कि किसकी हिम्मत थी आगे आने की। और सुन बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है बंद के मायने बंद और खबरदार कर से कॉलेज का नाम भी लिया दो। और जो लड़की ने पूरा साल लगा दिया वो और जो ये मेरी मेहनत की कमाई के पैसे इसकी फीस में चले गए उसका क्या? राम देख बेटा मैं तेरी चिंता खूब समझती हूँ लेकिन इन गुंडे बदमाशों के डर से हम अपनी बेटी को ताले में बंद कर ले क्या? बैठ यहाँ पर चल तेरा कहना हम मान भी लेते हैं कल से सीता को कॉलेज नहीं भेजेंगे लेकिन खेत खलियान कुआं जौहर कहाँ कहाँ जाने से रोकेगा बेटी को? अरे रोकना है तो एकजुट होकर उन बदमाशों को रोको मर्दानगी का इम्तिहान तभी होगा। तो मैं क्या करूँ माँ गाँव को इकट्ठा करके उन लोगों को मारूं पीटूं खून खराबा करूं और सलाखों के पीछे चला जाऊं? उससे ज्यादा हिम्मत वाली तो मेरी पोती है कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता कि तू मेरा बेटा है। हिंदुस्तान तभी उठेगा जब न्याय के लिए हर हिंदुस्तानी उठ खड़ा होगा। चलिए माँ रसोई घर में चलिए खाना खा लीजिए हिंदुस्तान को तो डूबने से बचाने से रहे जो करना है वह हमें ही करना है। आइए आप भी खाना ले लीजिए चल सीता। अच्छा सीता इन 9 महीनों में मेरे प्रति कुछ बदलाव महसूस कर रही हो तुम? मित्र बंधु सखा बस इसके अलावा और कोई शब्द नहीं है मेरे शब्दकोश में। आराम से गांव है ये तो क्या तुम्हें गिरने देता? जी बचाते बचाते कहीं फिर वही हमारे घर कितने जल्दी आ जाते हैं। अच्छा सीता इन 9 महीनों में मेरे प्रति कुछ बदलाव महसूस कर रही हो तुम? अरे तू इतना चौंक क्यों रही है कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की? बस दादी इतना ही भरोसा अपनी पोती पर। अरे पगली भरोसा तो तुझ पर अपने से ज्यादा है लेकिन ये लेकिन शब्द क्या मेरे लिए बनाया है जिसे देखो लेकिन लगा देता है। अरे मैं भी तो सुनूं और किस किस ने लगाया है लेकिन। दादी तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो तो मुझ पर कैसे शक कर सकती हो? अरे पगली शक और तुझ पर लेकिन जवानी ना तू छुपा सकती है और ना मैं छुपा पाई थी। दादी वो रमेश है ना हर बात पे लेकिन रमेश बहुत अच्छा लड़का है। चल तू अब अपनी पढ़ाई कर मैं भी ना यूं ही पीछे पड़ गई अपनी फूल सी बच्ची के। अच्छा सुन सोने से पहले दूध जरूर पी लेना। माना कि तुम बहादुर हो पर हम भी किसी से कम नहीं है। अरे देखो धर ले इनको क्यों नहीं चल के धर लेते हैं आज में घर पहुंचने नहीं देना। उस दिन देखा तो सुकड़ों की कैसे पिटाई करी थी। तुम दिलेर हो पर सतर्क रहना उन शराबियों का कुछ अता पता नहीं कब और कहां से अटक के मेरे बिना कहीं आना जाना नहीं। हम तीन हरानी और तुम एक गणित भी भूल गए क्या? अरे आज तो मैं इसका गणित बिगाड़ कर ही रखूंगा। तो Thank you.
चुन्नी भी फट गई। तुम ठीक तो हो? मान गया तुम्हें, किस मिट्टी की बनी हो तुम? आत्मविश्वास की, और तुम भी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं थे। तुम्हारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता, ना जमीन पर ना आसमान में। तुम्हारा रास्ता नहीं, हमारा रास्ता कहो तो हम आ गए तुम्हारे शब्दकोश में। अपने आप को मुबारकबाद दूं? सपने देखना बंद कर, पढ़ाई कर पढ़ाई। अरे बेटा सुनो। जी सर। वो तुम्हारा सर्टिफिकेट आया है। किस चीज का सर्टिफिकेट सर? फर्स्ट आई हो तुम भाषण प्रतियोगिता में। वो क्या विषय था उस दिन तुम्हारा? देश की तरक्की में महिलाओं का योगदान। हाँ, तुम्हारी सोच में ताकत है, सीधे असर करती है। सब आप लोगों के मार्गदर्शन का ही असर है सर। नहीं, तुम्हारी अपनी प्रतिभा भी है। बहुत अच्छी बेटा, ठीक बेटा। थैंक यू सर। शू, ये क्या एरोप्लेन?